अलीगढ़ में शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन ने अस्पताल के प्रबंधन को संभालते हुए 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बन रही बिल्डिंग में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। अस्पताल के प्रबंध निदेशक सुमित सराफ ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय शेखर सराफ ने जो सपना शहर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर देखा था वो पूर्ण रूप से साकार हो गया और 3 वर्षों में शहर के लोगों का यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विश्वास बढ़ा है। शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि कैंसर के उपचार की आधुनिक मशीन और उपकरण अमेरिका से समुद्र के रास्ते आ रहे हैं और संभवतः अगले माह तक आ जाएंगे। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर कैंसर हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तैयारियों का फॉलोअप लेते हैं और बिल्डिंग का पूरा निर्माण उनकी ही देखरेख में किया जा रहा है। उम्मीद है अगले माह तक कैंसर संबंधी समस्त उपचार हॉस्पिटल में मिलने शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अतुल सिंघल, हृदय रोग चिकित्सक संजीव गुप्ता, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मौसम गुप्ता, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणु गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुज महेश्वरी सहित सभी स्टाफ के सदस्य के अलावा अस्पताल की चेयरपर्सन राजेश कुमारी महेश्वरी, क्रिएटिव क्लब के संरक्षक संजय महेश्वरी, अस्पताल के सलाहकार सी अतुल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज हमारे शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उस उपलक्ष्य में आज हमने हवन पूजा कराई है हमारे कैंसर विंग के अंदर, क्योंकि अब हमारा ये कैंसर विंग पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अगले महीने जल्दी हम इसका सुचारू रूप से उद्घाटन कराने के बाद सुचारू रूप से चालू कर देंगे। और बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर इन 3 वर्ष में वो मेहनत की है जिससे कि अब अलीगढ़ के लोग हमारे शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल में विश्वास करने लगे हैं। और अब जो हमारे फादर का सपना था कि अलीगढ़ के लोग दिल्ली जाते समय जो एक्सपायर हो जाते थे, अब हम उन लोगों को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम काफ़ी कामयाब भी रहे हैं। जिस तरह की हमारे हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल हमने अपने नो प्रॉफिट नो लॉस के रूप में चला रहे हैं, इसका जो भी पैसा है हम अपने आमद खर्चे में नहीं लेते हैं, हम इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें संकल्पित हैं। उसी प्रकार यहाँ के डॉक्टर्स भी और स्टाफ भी बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है और हम नोएडा और दिल्ली की तर्ज पर यहाँ सारी सुख सुविधाएँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अलीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे फादर का सपना है हम उसको पूर्ण करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं और कैंसर भी अब अलीगढ़ के लोगों को बहुत जल्दी कैंसर का इलाज हमारे हॉस्पिटल में मिलने लगा है। धन्यवाद। शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से आज अलीगढ़ जनपद वासियों को, जिन्होंने हमें एक स्नेह एक विश्वास जो हमारे लिए दिया, जबकि हम मेडिसिन लाइन में पहली बार नए आए थे, जिस तरीके से उन्होंने हमारी अलीगढ़ की जनता ने अलीगढ़ की, मैं कहूँगा अलीगढ़ के वो लोग जिन्होंने हमें प्यार दिया, इस हॉस्पिटल को 3 साल आज पूर्ण हुए हैं। हमारे स्वर्गीय पापा श्री शेखर सराफ जी का एक सपना था कि एक किफ़ायती रेटों में एक हम अच्छी एक स्वास्थ्य सेवा हम शुरू करें, और आज हमारे छोटे भाई सुमित ने उस और हमारी माँ के आशीर्वाद से आज ये सपन साकार करने की हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि और बढ़िया से बढ़िया हम स्वास्थ्य सेवा में अलीगढ़ वासियों को हम क्या और सेवा दे सकें। और हम लोगों ने अभी कोशिश ये करी है, कोशिश किया हम लोगों ने कैंसर इंस्टीट्यूट खोले हैं कि अलीगढ़ जनपद वासियों को कहीं भी बाहर जाना ना पड़े, नोएडा या आगरा या कहीं भी, यहीं पर सारी व्यवस्था हो और हर व्यक्ति जो पेशेंट आए वो खुश हो गए, संतुष्ट हो गए और स्वस्थ हो के जाए, ये बस मनोकामना है। जय श्री बालाजी। आज हॉस्पिटल की एनिवर्सरी थी, उस चीज़ के लिए हवन हुआ था और सबसे खुशी की बात यह है जो नया कैंसर सेंटर शुरू हो रहा है उसकी एक विंग तैयार हो गई है, उसमें ये हवन हुआ है और बाकी बहुत जल्दी कैंसर वाला सेंटर भी शुरू हो जाएगा जो कि इस पूरी एरिया में पहला होगा। तो उसी सिलसिले में आज हवन हुआ था, पूजा का आयोजन किया गया था। शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल जो 2021 में शुरू हुआ था, आज उसके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसकी ये जो जयंती है वो हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत ही मन उत्साहित है। हम अपने शहर के मरीजों को
एक बेहतर चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए, ये एक संकल्प लिया था शेखर भाई साहब ने। आज उस संकल्प को हम पूरा कर पाए हैं। साथ ही हमने आज कैंसर इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है उसमें हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया था, और उस हवन यज्ञ के साथ हम इस कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले एक महीने में हमारे यहाँ पर हेल्सियन की मशीन आ जाएगी जो रेडिएशन थेरेपी देगी, और उसके साथ साथ पेट स्कैन और अन्य बाकी सुविधाएं जो कैंसर की चिकित्सा के लिए ज़रूरी होती हैं वो सब अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जो अमेरिका के साथ है उनके साथ हमारा एक टाइप हुआ है, वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर वो सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध कराएगा। और हमें उम्मीद है कि कैंसर के जो मरीज आज दिल्ली या बम्बई भागते हैं उनको वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी।